उमराव जान के जरिए नेशनल अवार्ड जीतने वाले मशहूर संगीतकार मोहम्मद जहूर खयाम का बीते सोमवार को निधन हो गया। बीते दिनों मोहम्मद खयाम की तबीयत काफ़ी ख़राब थी और उन्हें मुंबई के अस्पताल में भी भर्ती कराया गया था। खयाम साहब के अचानक दुनिया से चले जाने पर बॉलीवुड सदमे में है, हर तरफ शोक कलहर है, हर कोई नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। तो इसी लिस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मोहम्मद जहूर को याद करते हुए शोक प्रकट किया और ट्वीट करते हुए लिखा, सुप्रसिद्ध संगीतकार खयाम साहब के निधन से अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने अपनी यादगार धुनों से अनगिनत गीतों को अमर बना दिया। उनके अप्रियतम योगदान के लिए फिल्म और कला जगत हमेशा उनका ऋणी रहेगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके चाहने वालों के साथ है। तो वहीं मशहूर गायिका लता मंगेशकर ने भी खयाम साहब के निधन पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, महान संगीतकार और बेहद नेक दिल इंसान खयाम साहब आज हमारे बीच नहीं रहे। ये सुनकर मुझे इतना दुख हुआ जो मैं बयान नहीं कर सकती। खयाम साहब के साथ संगीत के एक युग का अंत हुआ है। मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करती हूँ। गायिका अनुपमा राग ने भी खयाम साहब को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दी। तो इसी के साथ और भी कई कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। आपको बता दें, बॉलीवुड की दुनिया में एक संगीतकार के रूप में ख्याति कमाने से पहले वो एक भारतीय सेना में भी 3 साल सिपाही बनकर देश की सेवा की है। खयाम को 3 बार फिल्मफेयर अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है और उन्हें साल 2011 में भारत सरकार ने पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से ज्योति की रिपोर्ट।